तो हम ढीलू कब के बात कर रहे थे। देखो अगर ठीक है, अगर यहाँ पे मैं दे दिया GAC और इसका ये निकालना है अमाउंट, तो सिंपल हम लोग करते हैं कि भी लुकअप ये और इस रेंज को लेते हैं, कोमा 2 कोमा 0 कर देते हैं बस, है ना। अगर ये चीज़ वहाँ नहीं है तो एन ए देगा, क्लियर। भी लुकअप बेसिक इतना ही है, जिसमें ये है कि किस वैल्यू के बिहाफ पर हम सर्च कर रहे हैं, और ये है कि कहाँ से सर्च कर रहे हैं, और ये है नंबर ऑफ कॉलम, कुछ वैल्यू से उठाना है। 0 होता है एग्जैक्ट मैच के लिए, हम यहाँ पे 1 भी डाल देंगे तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा जेड का, ठीक है। और इसमें ये हमें गौर करना है कि जिस वैल्यू के सर्च कर रहे हैं, जिस वैल्यू के बिहाफ पर वैल्यू उठा रहे हैं, उसके बाद जो हमने लिए है डाटा, वो उस सोर्स में पहला कॉलम में होना चाहिए जहाँ से, क्योंकि यहाँ से लिया है ना पहला। तो भी लुकअप टेबल एरर कॉलम इन इंडेक्स नंबर, ये ऑप्शनल होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे ये है, अब यहाँ से है एक कोड है, मुझे इम्प्लाई का नाम उठाना है, तो हम लगाएंगे भी लुकअप इसको, और यहाँ पे अगर यहाँ तक सेलेक्ट कर लोगे इसको, चूंकि पूरा रेंज नहीं है तो हमें इसको फ्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको अगर आप एफ तक भी डाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे सी तक ही डाला और यहाँ पे छठा दे रहे हो, तो वहाँ पे लिए हैं 3 कॉलम, तो यहाँ पे रिफरेंस के एरर देगा। अगर इसी में अब यहाँ पे नाम है, और अभी मुझे अगर मान लो यहाँ शिफ्ट के नाम निकालना है, अगर यहाँ पे शिफ्ट के नाम निकालना है तो भी लुकअप इसको लेना पड़ेगा, और इस केस में हम यहाँ से तो नहीं लेंगे डाटा, इस केस में यहाँ से लेंगे डाटा, है ना। कोड्स उठा सकते हैं एग्जैक्टली। अब जैसे अगर मैंने भी लुकअप किया इसको और मैंने कोड्स उठाया, मैंने बोला था कि जो हम इसको खोल जिस भेल पे लाते हैं वहाँ वो होना चाहिए पहला कॉलम, या पहला कॉलम में ये है, तो वो इसके बिहाफ पर सर्च करेगा, तो मिलेगा ही नहीं, एक भी नहीं मिलेगा। ये एनए का मतलब है, इस एनए का मतलब है कि ये इस रेंज में नहीं है। और अगर यहाँ पे मैंने कर दिया ए ए बी बी ए ए, और यहाँ पे दे दिया राम, और यहाँ पे लिख दिया मुकेश, और एक ए कर दिया यहाँ पे ब्लैंक। अब अगर यहाँ पे मैं ए दे कर करूँगा तो ब्लैंक बताएगा 0, क्योंकि ये यहाँ पे है, इसका वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे देगा 0। लेकिन अगर 3 बार ये कर दिया तो वहाँ पे 3 बार ये है कहीं कि, अच्छा 3 बार है, तो अगर ये उसमें नहीं है तो हैसने के रख देगा, और अगर सिर्फ ए दे दिया तो फर्स्ट ही मिलेगा, तो इसमें ब्लैंक था तो उसके बदले उसने दे दिया 0। अगर ये फर्स्ट उसको मिल जाएगा तो आगे नहीं जाएगा, ये चीज़ मैच में भी होता है, भिलुक पे भी होता है। अगर हमको फर्स्ट के अलग चाहिए, सेकंड के अलग चाहिए, या फर्स्ट वाला ब्लैंक है तो दूसरे वाला में जाए, तो उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा,
ठीक है, तो वैल्यू कब का बेसिक यही है। अब जो हम ये डाटा चूज करते हैं, ये टेबल एरो जहाँ से डाटा लेना है, ये सेम सीट पर हो सकता है, सेम फाइल के अलग सीट पर भी हो सकता है, ठीक है, सेम फाइल के अलग सीट पर हो सकता है, सेम फोल्डर के दो अलग फाइल के अलग अलग सीट पर हो सकता है, सेम कंप्यूटर के दो अलग ड्राइव में हो सकता है, डी कॉलम ई कॉलम पर, हमारे बगल वाले कंप्यूटर का भी हो सकता है, एक ऑफिस के अलग नेटवर्क में भी हो सकता है, और एक ऑफिस के दूसरे ब्रांच का भी हो सकता है, जो हम मैपिंग करके उसको हम लोकल बनाकर रख रखते हैं ना, किसी के सिस्टम को मैप करते हैं ना, जो यहाँ से मैप करते हैं, एक मैपिंग होता है, कंपटेंट में भी तो होता है, यहाँ पे दिखा क्यों नहीं रहा, कहाँ पे दिखाता है वो, आप जानते हो मैपिंग, एयरटेल है यहाँ पे है ना, जिसका ये आपको पास देना पड़ेगा कि इस ऑफिस का, इस कंप्यूटर का, फिर वो ले लेता। एक तो ये सिंपल है वही से, अच्छा नहीं यहाँ पे दिया हुआ ये कि जो हमने तो ऐसे भी लुकअप करके कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया वन, तो भी लुकअप इसको ऐसे हो सकता है, इसको हम अंदर भी डाल सकते हैं, अगर वो पार्टिकुलर कुछ ही चीज़ है जो, अगर हमारा बहुत सारा है ना डाटा कॉपी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ है कि तीन, जैसे है तीन ऑफिस है, दिल्ली नोएडा गुड़गांव, और एक दो तीन कहीं पर आता है, तो उससे हम कॉल करके भी कर सकते हैं, अगर तीन ही है तब, लेकिन अगर 20-25 है तब तो फिर कुछ और करना पड़ेगा, समझ रहे मैंने क्या किया, क्या बोल रहे हो, अगर आप डाटा कॉल करा रहे हो किसी डाटा के बिहाफ पर, बहुत चीज़ निकाल रहे हो, क्योंकि जो वैल्यू का कभी कुछ कुछ रिपोर्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको 2500 वैल्यू का लगा हुआ मिल जाएगा अलग अलग सीट से, अगर अगर उसमें स्टेट कोड है और तीन चार स्टेट पर ही हम काम करते हैं, तो आप यहाँ भी डाल सकते हो, और यहाँ पर जो है वन कोमा यह है ना, यह है कॉलम, टू कोमा यह है ना, एक कॉलम का मतलब ये होता है कि इसको ये ब्रेक करता है, ये इस रूप में दिखाता है, परवीन जहाँ समझ नहीं आएगा पूछ लेना। इसको ना ये ब्रेक करता, मतलब ये करा ये है, उसके बाद इंटर मारा और फिर ये है, फिर कॉलम, इंटर मारा फिर ये है, कॉलम मतलब फिर रो हो जाता है चेंज। एक यहाँ पे है, जैसे यहाँ पर है कोड, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम शिफ्ट शिफ्ट स्टार डेट है, और यहाँ पे हमें बंदे का कोड है, यहाँ एम्प्लॉय डेट यहाँ पर निकालना है, तो एक तो हमारा है कि इजकल टू भी लुकअप ऐसे करके दूसरा लगाएंगे, हैं? फिर यहाँ पे तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ पचवा, तो उसके लिए, और हमें पता है कि जो यहाँ सीक्वेंस है वो भी सीक्वेंस यहाँ है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बी लुकअप इसको लेके इस रेंज को लोगे, और यहाँ पे जितना कॉलम चाहिए तो
दो तीन चार पाँच छः सात है, 0 ऐसे मार दोगे, कितना है, 5 6 तक होगा। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, यहाँ तक मैंने 6 तक डाल दिया, लेकिन ये फर्स्ट वाला उठाएगा, यहाँ से सेलेक्ट करोगे, F2 करोगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर डाल दोगे, वो सबका आ जाएगा। इसका टाइम है, कंट्रोल शिफ्ट F2 कर दोगे, कंट्रोल शिफ्ट। क्या किया, समझे कि नहीं समझे? अगर ये हमारा फिक्स है तो अब अगर यहाँ पे आऊँ, यहाँ भी इसी डाटा से आएगा, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस चेंज है, तो यहाँ पे लिखोगे भी लुकअप, इसको इसको फ्रीज तो कर ही दिया करो। और पहला क्या है, एम्प्लाई नहीं है, शिफ्ट, तो शिफ्ट के लिए हम क्या देंगे, 3। उसके बाद कोड 1 4 5 6, उसके बाद है एम अमाउंट के लिए 5, और अमाउंट के बाद दिया है स्टार्ट टाइम और एम्प्लॉय नेम, तो स्टार्ट टाइम हो जाएगा 4th और एम्प्लॉय नेम 2, और कोमा 0। सेलेक्ट किए, F2 किए और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया कि किस कॉलम से भेज चाहिए। अगर इक्वल है तब तो ठीक है, लेकिन हमने अभी रॉ डाटा में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, और रॉ डाटा में चेंज करना भी नहीं चाहिए, भले अगर गलत हो जाएगा तब तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन रॉ डाटा ही गलत है तो उसको ठीक करेंगे, लेकिन रॉ डाटा को ऐसे आमतौर पर चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर कुछ और भी डिपेंडेंसी होती है, किस कैसे और से कैलकुलेशन होगा। जब यहाँ पे हम भी लुकअप लगाते हैं इसको, तो इम्प्लाई नेम है ना 2, तो इसके लिए 2 आएगा, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके 5, इसके 6, तो ये जो 2 है ना, इस 2 को अगर आप यहाँ पे लिखोगे कॉलम, दिखा रहा है 9, इसको 2 करने के लिए क्या करोगे, एक कॉलम है, हमें यहाँ पे कौन सा कॉलम चाहिए, यहाँ पे, अरे यहाँ पे 2 है, तीसरा। अब जो ये है, जो ये मैनुअल करता हूँ, मुझे इसको हटाना है। हाँ, क्या लगा दूँ, B2 लगा दूंगा, फिर अरे B2 तो आएगा तो एक एरर देगा नहीं, यहाँ B2 थोड़े चाहिए, यहाँ तो हमें 2 चाहिए, नहीं रहो समझ, मैच मैच भी है, मैच भी आएगा देखो। अरे यार, पर भी यहाँ पे भी लुकअप लगाया, इसको लिया, दो किया, यहाँ पढ़ते हैं 2, और इसमें इसके लिए हम क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, तो वही कर रहा हूँ, ये जो 2 है उसको, 2 को हटा रहा हूँ, तो यहाँ पे दूंगे ना कॉलम, कॉलम दिया तो कितना आया, 9, 9 में क्या करोगे, जो हो जाएगा 2, 9 में ऐसा कुछ कर सकते हो कि ये इसको 2 बना सकते हो,
हाँ तो बोलो या 7 माइनस कर देंगे। तो इसी चीज को यहाँ पे रखो और यहाँ पे कर दो, तो ये तो आ जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जाने से पहले एच को फ्रीज करना पड़ेगा क्योंकि ये इधर घसकेगा। तो भी इस केस में भी हमारा हो जाएगा काम ये। और अगर ये सब कुछ वैसा ही रहेगा भी कॉलम इसको 2 हो गया, तो 1 2 यहाँ से न लेकर इस 2 को बदले हम कर देंगे कॉलम यहाँ से इसको ले लेंगे B2। बी कैसे हो गया जो यहाँ पे H को फ्रीज किया, इसको फ्रीज किया और यहाँ पे ले लेंगे कॉलम और यहाँ पे ले लेंगे इसको और इसको फ्रीज कर देंगे, नहीं फ्रीज नहीं करनी, फ्रीज छोड़ देंगे। यहाँ पे आएगा दूसरा परवीन, अभी वाला समझ में आया? जब ये बी आएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, तो अपने आप भी तो घसकेगा। फिर आएगा मैच वाला। मैच वाला क्या है कि यहाँ पे चाहिए हमारा कॉलम 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। तो यहाँ पे लगाओगे मैच इसको और इसको फ्रीज करोगे तो इसको 14 रखोगे फ्रीज में ऐसे, और इसको हम मैच कराएंगे इस पे और कॉमा 0, ये हो गया 2। और भी लुकअप इसको लेके यहाँ पे कोमा 2, 0 और ये जो निकाला था इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे। एरर आ गया क्योंकि हमने एच को फ्रीज ने, ये नंबर आ जाएगा टाइम में, नंबर आ जाएगा डेट रहेगा तो नंबर आ जाएगा, फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। हेलो अगर इसमें, अब इसमें क्या है, इसमें अगर आपने अब अगर जो ये हेडिंग है, जो ये हेडिंग है, इस हेडिंग को आगे पीछे भी कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। है ना? अब इसको जिसको जहां पे रखना है क्योंकि वो इस वैल्यू को देखेगा, ये वैल्यू यहां पे जिस नंबर पे मिलेगा उस नंबर को जनरेट करेगा। यहां पे जाओगे ना, यहां पे भी लुकअप इसके बेस पर, फिर ये मैच लिया हम ये लगाते हैं ना इसको और इस डाटा से दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम हमें वो दे दिया बस। ये है वही है कॉलम इन नॉट सीक्वेंस, कि अगर कॉलम सीक्वेंस नहीं होगा तो भी काम हो जाएगा। ये किस चीज का है?
इसमें यह है कि अगर यहाँ पे मैंने नाम लिखा दिया, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया ये, और इसका कोड चाहिए तो आएगा? अभी तक जो पढ़ा जाओ उसके बेस पर कैसे आएगा? भिलो कब से कोड आएगा? भिलो कब से नहीं आएगा? फिर किससे आएगा? मैच इंडेक्स से आएगा। मैच मत बोलो, मैच इंडेक्स आएगा। लेकिन अगर भी लुकअप से अगर करना हो तो कैसे करेंगे? लेकिन अगर इस डाटा को थोड़ी देर के लिए इसको कंट्रोल एंड करके यहाँ पे डाल देंगे और इसको यहाँ कर देंगे, तब तो हाँ हमारा ये हो जाएगा ना, फिर यहाँ से लगा लेंगे। लेकिन जो हमने ये किया है ना, इसको हम फार्मूला में ही लेंगे। तो यहाँ पे लगाओगे, देखो यहाँ पे लगाओगे चूज, ठीक है, चूज यहाँ पे दोगा 1,2, इसको बंद करोगे और यहाँ पे पहले ले लोगे इसको और कोमा इसको, चल किन रहा है ये F9, चल किन रहा डाटा जो है ज्यादा क्या, 5 देखो ये ऐसे बना रहा है इसको। इसने पहले लिया ये जितेंद्र, पहले लिया फिर कोड दिया फिर ये कॉलम। इस कॉलम का मतलब क्या है? नहीं, अगला रो बना दिया। तो ये डाटा को ऐसे बना देगा तो हमें दिक्कत नहीं होगा। तो जब ये हो गया, इसको किया, अब यहाँ पे लगाओगे वी लुकअप इसको, और ये तो हमारा है यहाँ से 2,0, यहाँ तक है क्लियर? अब हमें उल्टा दिखा दिया, तो अब इसको रेंज चेंज कर दो। ये क्यों नहीं दिखाया? क्लियर? ये उल्टा भी लुकअप हो गया, जहाँ जो हम मैच से बनाओगे, या फिर इसके बारे में नहीं सुना होगा सकते आप, इसके बारे में चूज नहीं, ये उल्टा भी लुकअप से उल्टा भी लुकअप निकालना। देखो हाँ, तो मैच से तो बन ही जाएगा, लेकिन आप इसको अब भी लुकअप से भी निकाल सकते हो। कहीं कहीं ये पूछता है इंटरव्यू में कि जो इस साइड के वैल्यू निकालो लेकिन मैच इंडेक्स अपने ही यूज करोगे, तो आपको यहाँ पे क्यों नहीं करेगा? वो सिर्फ F9। अरे यार, हाँ ले लो ले लो ले लो लो, वो तो दिखाने के लिए ऐसे नहीं हो रहा। कर तो रहा है,
लेकिन फ्रीजिंग पर ना, डाटा फ्रीज पर तो आपको ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि वो कब निकल जाएगा, स्लीप हो जाएगा। एक ये है, इसमें क्या है, क्लाइंट नेम यूज टेक्स्ट फॉर डेट। ओके, अब इसमें हो क्या रहा है कि देखो, इसमें वैलिडेशन का लगाया हुआ है, इसमें क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ना डाटा वैलिडेशन लगा दिया है, ये लगा दिया है, और इसको ये कह रहा है कि अगर अगर मैं इसको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दूँ ना, तो यही नाम हो, और डेट दो तो डेट आए, और सिटी दो तो सिटी आए, अमाउंट होते अमाउंट आ जाए। तो हम वही मैच से भी करेंगे, वी लुकअप इसको, और उसके बाद मैच इसको, इसमें वन को फ्रीज करेंगे और इसको पूरा फ्रीज करेंगे, और कोमा जीरो और कोमा जीरो। अच्छा, रेंज तो लिया ही नहीं, कोमा ए वन से लेके डी 11। नाम में नाम आ रहा है, आ रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे होता है डेट, जैसे या फिर टाइम, तो जब भी लुकअप लगाओगे तो वो इस फॉर्मेट में आ जाता है। सेम यहाँ पर भी डेट है, ये इस फॉर्मेट में आ गया है, लेकिन इस फॉर्मेट में लाने के लिए फिर क्या करोगे? समझ गए क्वेश्चन? भी लुकअप पर डेट फंक्शन, कौन सा फंक्शन लगाओगे यहाँ पे? तो टेक्स्ट से बनेगा ना, टेक्स्ट कैसे बनेगा? टेक्स्ट से इसको तो इसी पर करो, ठीक है? लेकिन ये हाँ, अब लेकिन अच्छा काम कर दिया। अब देखो अमाउंट में भी हुआ गया ना दिक्कत। हाँ तो यहाँ पे लगाओगे इफ, अगर ये इक्वल टू डेट हो तब तो ये अगर ये डेट हो तब तो ये चले, नहीं तो जो पहले चल रहा था वो चले। ये क्यों हुआ, इस पे क्यों हुआ? जी, को फ्रीज नहीं के लिए
है ना। ठीक है, एक ये है। अब यहाँ पे हमारा है स्कोर और ग्रेड, तो इसको हमने भी लुकअप से भी बनाए थे, से इफ से बनाए थे, पहले लुकअप से बनाए थे। अब अगर भी लुकअप से बनाओगे तो ये लोगे ये और ये और कोमा 2,0 जो मिलेगा उसका मिलेगा, नहीं मिलेगा तो एरर देगा, लेकिन यहाँ पे दे दोगे ना 1 तो दे देगा वो। लेकिन यहाँ तो आया नहीं, 0 का एफ आना चाहिए। वन में भी नहीं आया ना, लेकिन आना तो चाहिए नहीं यार। इसको तो शॉर्ट नहीं किया, यहाँ पे शॉर्ट ये तो आना चाहिए यार। ओके ओके, हम भी तो गलत कर रहे हैं यार, हम भी तो गलत कर रहे हैं। इसके बेस पर नहीं, यहाँ लगाएंगे भी लुकअप, सॉरी इसको और इसको। हाँ जो हम लोग पहले इप्स ने बनाए थे फिर लुकअप से बनाए थे, तो यहाँ भी एक काम हो जाएगा। अब एक ये है, इसमें क्या है, दो है टेबल ये है, एक टेबल ये है। ठीक है, टेबल 1 टेबल 2, कुछ चीज़ यहाँ पे है कुछ चीज़ वहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे नाम डिफाइन में नेम है, एज है, स्टेट है, और अगले बारे में सैलरी है, डेजिग्नेशन है। तो अगर मैं यहाँ पे एज और स्टेट लूँगा तो डाटा 1 से आएगा, और सैलरी और डेजिग्नेशन आएगा तो डाटा 2 का आएगा। तो कैसे बनाओगे इसको? दो लूप पिकअप लगाएगा, बनाओ फिर एक बार। शक्ति आपका सैलरी 40 के आसपास है या कम है? 30 से कम है? तो उस समय जो जिसको जैसा फंस गए वैसे ही हो गए, तो चेंज करने का मन है?
कि चल रहा चल रहा है। सब इसमें मेंशन कर देना, और उसका ना उसका एक टोल फ्री नंबर है, उस पर बात करना। तो वो बोलेगा कि बाय डाटा इसे एड्रेस पर भेज दो, इसे मेरे आईडी पर। कुछ फॉर्मेट दीजिएगा कि मतलब जैसे ये सबको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो फिर हाँ नहीं एक्स एक्सेल वाला तो मैं बना दूंगा। हाँ इसी का बाकी तो हम अपना ही कर लेंगे। हाँ तो अपना पीछे का जो तो अपना बाकी का बना कर लो एक बार वर्ड में, फिर इसको थोड़ा जोड़ देंगे। और एक बार ना वहाँ पे ना देख के छोड़ देना। वो क्या है कि वो ऐसा है ना कि वो रखती है बायोडाटा अपने पास, जो मैंने सुना। और एक सुधीर आता थे मेरे पास पढ़ने, उसको वहाँ से ना 2 बार जॉब लगा, पहले भी कहीं लगा था, फिर उसी से अभी इसी महीने चेंज किया है। तो वो रहती है उसको जिस रैंक के बंदे की रिक्वायरमेंट होती है ना वो करते हैं लोग। कुछ लोग वहाँ बायोडाटा फेस टू फेस जाकर भी दे देते हैं। तो एक बार ना देख के छोड़ देना, कहीं उसको कुछ अच्छा लगे कॉल किया, फिर आप गए अच्छा लगा था ठीक है, वरना जहाँ है वहाँ तो है ही। वरना कोई अच्छी कभी कभी अच्छी कंपनी में भी हो जाता है। ये दो भी लुकअप ऐसे बोला किसने सिखाया ये? ये आपने कैसे सिखा? पहले तो इंटर मारो, पहले इंटर मर, हाँ तो एक का तो निकाल ही दिया करो। मैंने बोला था ना कि जब तक सीख रहे हो तब तक एक का तो निकाल ही दिया करो, फिर जब होगा एक का तो कर दो, एक का तो पूरा करो। हाँ ठीक है, तो इसका डाइनेशन नहीं आया फिर ना? फिर एक कहाँ आया डाइनेशन, कहाँ आया? और अपने सबसे बड़ी गलती डाटा जहाँ से उठा रहे हैं उसको अपने फ्रीज भी नहीं किया, वो आगे पीछे घसकेगा ना वो। एक चीज बताओ यहाँ के लिए वैसे क्योंकि आप सबको क्यों डिलीट किया? अप टू जाकर वहाँ फ्रीज करो। रुक जाओ, यहाँ पे किस चीज को फ्रीज होना चाहिए? अरे रो कॉलम में बोल, रो कॉलम में बोल दो क्या फिक्स होगा? ये वी लुकअप में जे और एट क्या है? जे कॉलम को बताता है ना, एट रो को बताता है ना, वो चीज है कि उन दोनों में से किसको आप फिक्स कीजिएगा? एट ही रो से हमारा आ जाए। जे जे बला में अभी भी तो दिक्कत है, जे आठ वैसे ही रहेगा। जे वाले में जे को कॉलम को फिक्स करेंगे क्योंकि नीचे एस्केप मारो, एस्केप मारो, यहाँ जाके एफ टू करो। ये देखो क्या हो रहा है, एस्केप मारो फिर। तो ये तो आपने कर दिया, ये तो हो गया ठीक, एफ टू करना, ये तो हो गया ठीक, एस्केप मारो। और यहाँ पे चूंकि एक है तो इसलिए इसमें फ्रीज नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे और होते हैं तो इस दोनों में से किसको फ्रीज करते हो, जे को या आठ को? जे को फ्रीज करते, ठीक है एस्केप मारो। तो यहाँ पे डाइनेशन हो गया, ऐसे सॉरी यहाँ पे सैलरी में तो आ गया, लेकिन अगर मैं डाइनेशन दिया तो यहाँ पे डाइनेशन आना चाहिए था ना, तो ये क्यों नहीं आ रहा? अरे भाई पूछ लो ऐसे, अतन क्यों नहीं होगा डाइनेशन में, क्यों नहीं हुआ बताओ के कारण? आप बताओ आपको क्या लग रहा? हाँ
थ्री करो करो थ्री करो। खींचो सबको, हो गया। अब फिर मैंने इसको कर दिया सल्ली, अब सल्ली क्यों नहीं आया? हाँ तो फिर अब क्या करोगे? तीन करोगे टू, तो ये जो मैनुअली कर रहे हो तो इसी को तो खत्म है ना करना, तो खत्म कैसे होगा? तो लगाओ जो मर्जी है लगाओ, हमें तो आउटपुट दे दो तो कैसे भी जो मर्जी है, बस मैनुअली वर्क खत्म हो जाना चाहिए। अरे कॉलम वाला कहाँ से लाए? कॉलम मतलब मैच से बनाओ। कॉलम वाला तो मैंने बताया कि एक वो भी है उपाय, लेकिन यहाँ कॉलम आपका काम नहीं करेगा, हेडिंग बदल रहा है ना। अब बनाओ सकती, अब डालो तीन की जगह जो है ना वहाँ हटाइए, वहाँ मैच फंक्शन लिखिए, मैच और इसको लीजिए सेल्फ। एस्केप मारो, एस्केप मारो, तो मैच यहाँ पे लगाओ तब क्लियर है। वहाँ पर जाके F2 करो, और जब फार्मूला लगाते हो तो फ्रीज का काम इसी समय कर लिया करो। K7 यहाँ फिक्स होगा दोनों, K7 है ना, इसको फिक्स कीजिए दोनों, वो ऊपर जो आ रहा है ये K7 ये किस को सैलरी को डिनोट कर रहा है, ये तो हमारा हमेशा फिक्स रहेगा ना। उसके बाद ये E2 to EG जो है इसको भी फिक्स करना पड़ेगा। नहीं कुछ नहीं, ये हम हेडिंग से मैच करा रहे हैं, ये दोनों को फिक्स फ्रीज कीजिए सीधा। अब वहाँ सैलरी की जगह डेजिग्नेशन कीजिए। नहीं नहीं पहले इसको लेके वहाँ जाओ, अब स्टेट तो आने रहा, तो यहाँ पर जाओ हटाओ इसको, अब इसमें लगाओ एज, एज और स्टेट के लिए यहाँ पर लगाओ बनाओ। अब देखो चलो करो करो करो, मैं जो कहता हूँ फ्रीज करना है, जिस समय फार्मूला लगाते हैं उसी समय लगाओ, यहाँ कोमा हटाओ, इसको अभी फ्रीज कर दो, और उसको भी। अभी नहीं हुआ गुरुजी, एस्केप मारो, आप इसको कॉपी करके रहे हो डाल, यहाँ ये आया, ये यहाँ भी वही मैच वाला चलेगा। किसको लोगे? हाँ तो लो वहाँ ले जाएगा, इसीलिए कहता हूँ कि अलग टाइप कर लो बाद में जोड़ दो। एस्केप मारो, यहाँ यहाँ पे करो, हाँ करो, करते रह रहे हो कहाँ कर रहे हैं। अब देखो इसको फ्रीज क्यों नहीं किया अभी? इसको इसी समय फ्रीज किया, आदत बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर बाद में करने में थोड़ा सा ये हो जाए। अरे सर एक्चुअली क्या है, मेरा सिस्टम फ्रीज का काम करता ही नहीं है, इसलिए वो प्रॉब्लम हो रहा है। फंक्शन की काम, अच्छा ठीक है, फ्रीज का काम नहीं कर रहा तो मैनुअली
डॉलर कर सकते हैं, मेनोलिट टाइप कर दो। यहीं पे एफोर करो। हाँ अब रुक जा, पहले इसको नीचे तक खींच के देख लो कि सही आ रहा कि गलत आ रहा। क्लियर हो गया? अब इसको उठा के यहाँ पे डालना, सही ना? कैसे करोगे, कहाँ डालो, करो फिर, करने दो करने दो, जो कर रहा है करने दो। उसका कब यूज करना है, दूसरे वाले को कब यूज करना है, जिसको अभी कॉपी किए हो उसको कब यूज करना है? जी नहीं, यहाँ पर नीचे हो। उसका तब यूज करना है जब यहाँ पे एरर आए, तो फिर एरर के बदले हम कुछ और यूज करते हैं, तो उसके समय हम क्या यूज करते हैं? तो यहाँ पे लिखो इफ एरर। अबे हाँ, ये क्या है, यहाँ पे दो कोमा, कि अगर एरर आए, और यहाँ पेस्ट करो आप कंट्रोल भी, अगर एरर आए तो ये वाला चले, वरना जो चल रहा है वो चले। मारो इंटर। दिमाग में बैठा लो, ये चीज है तो है, जो मैं करूंगा वही सही हो गया। यहाँ पे आके हाथ क्यों थरथराएगा यार? जब से यहाँ उतरते होते आपको पता है ना कि सीढ़ी से नीचे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, बस पकड़ेंगे जाएंगे, ये तो पता है कि ये चीज होना है, ये इसमें भी ये चीज पता है कि ये काम करता है, तो फिर इसमें कंफ्यूजन क्यों होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, ये आंसर देगा। तक करोगे दोनों होगा, बिल्ड होमवर्क उल्टा सीधा भेजते हो कहाँ से कॉन्फिडेंस, हमारा भी कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। लोग इंटरव्यू में ना जाते तो होता था ना कि अब क्या पूछ देगा, अब क्या पूछ देता है, मैं कहता था और पूछो, ये मैं सही बता रहा हूँ, हकीकत में ये झूठे बोल रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, मैं कहता था और पूछो, क्योंकि कंप्लेंट तो मेरा सेफ जोन था ही, वहाँ तो मुझे जॉब था ही, अगर मान लो वो मुझे सेलेक्ट नहीं करेगा तो भी तो मैं खाली तो था नहीं, तो फिर किसी बात किसी का डर, वाइपर तो था ही उस समय, तो उस समय अरे तो भाई तो वो तो जिस समय, एक चीज बताओ, हम भी तो 33-34 साल में एक्सेल सीखना स्टार्ट किए थे ना, तो हमें भी तो नहीं था ना पता, लेकिन मैंने सीखा ना, लेकिन होमवर्क मैंने इतना किया ना कि इंटरव्यू में टेक्निकल राउंड में तो दिक्कत नहीं होगी, बाकी चीज़ में कंप्लेंट में क्या करते हो वो बताने में दिक्कत होता है, वो दिक्कत है, वो आप डिस्टर्ब नहीं कर पाओगे ठीक से। जॉब तो है, बहुत जगह जॉब है, जॉब तो होगा ही, हाँ जहाँ एज के रिस्ट्रिक्शन है वहाँ नहीं होगा, लेकिन और जगह तो होगा ना, जहाँ पे होगा वहाँ पे होगा, लेकिन आना भी तो चाहिए ना।
मैंने क्या बोला कि आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी दिखाना पड़ेगा अपना अपना, जो समझने वाला होगा वो समझ जाएगा, वो आपको उस हिसाब से चूच चूच करेगा। लेकिन भगवान की मैं क्यों बताऊँ, मुझे तो इतना ही सैलरी मिल रहा, मैं क्यों करूँगा ये भी लोग के अंदर है ना। एक ही यहाँ पे जैसे है, देखो ये है रेड व्हाइट, अब यहाँ पे कलर इंडेक्स लाना है, तो ब्लू है तो ब्लू तो इसमें है, यहाँ ब्लू है ना, यहाँ पे मुझे 6 चाहिए, तो ये कैसे आएगा? यहाँ तो बिल्कुल अपने काम करेगा, तो इसको जो हम करेंगे, इसको लेंगे इसको और ये, और चाहे इसको ऐसे इसको करोगे स्टार और ये और ये और स्टार ये, इसका मतलब होगा कि ब्लू कहीं भी हो। और अब इसको लगाओगे भी लुकअप, मेरा ओएलएक्स में इसी पर फाइनल हुआ था। वहां पे जब थाने मेरा दिया था ना इंटरव्यू ओएलएक्स में, तो पहले तो उसने 10-20 क्वेश्चन उसने बना कर रखा हुआ है। बंदा काम कर रहा है, एक लैपटॉप खोल देगा या डेस्कटॉप, बोलेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको सॉल्व कर दिया, उसमें अगर ठीक ठाक रहा और वहाँ पे वो फेल हो गए तब तो वापस भेज देगा। अगर वहाँ पे ठीक ठाक रहा तो एक बंदा लाइव काम कर रहा है, फिर अपने लाइव डाटा पर काम करवाएगा। और जो लाइव डाटा पर भी जब उसको कुछ आया मेल, तो बोला इस मेल को पढ़ के इस क्वेश्चन को बताओ, यहाँ यहाँ है डाटा है, फिर अगर उस पर कर दोगे तो फिर ठीक है। सेम यहाँ पे है, तो जो हमने इसको निकालते हैं ना, ये राम कहीं पे हो, इसका मतलब किसी से शुरू हो लास्ट में राम हो, इसका मतलब किसी से लास्ट खत्म हो लेकिन स्टार्टिंग में राम हो, तो ये उसके बेस पर है। वही है वैल्यू प्लस स्टार, यहाँ पे स्टार फिर वैल्यू, वैसे आप इसको दोगे ना लगा तो ये सब में काम करेगा बस। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अभी की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इस पर भी तो डिपेंड करता है ना। अब हमें को लास्ट वाला ही वैल्यू उठाना है या शुरू वाला ही उठाना है, तो वो उठा के सारा। अगर वो बोलेगा कि कहीं से, या अगर हमारे रिक्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है ना कि उस समय क्या रिक्वायरमेंट। अब एक यहाँ पे है, जैसे यहाँ है ना, अब यहाँ पे मैंने लिखा वाइल्ड कार्ड नाम और वैल्यू, और इसमें से मुझे 2 करेक्टर वाला का वैल्यू चाहिए। तो 2 करेक्टर वाला कौन है, एक्स क्यू इसका वैल्यू, तो 2 करेक्टर के लिए आप ऐसे करोगे ठीक है, और यहाँ पे लगाओगे वैल्यू का स्टार, स्टार लेगा कि नहीं ऐसे, और ये ठीक है। अगर 3 का करना है पहला, और अगर मान लो ये 3 का है तो भी उठाएगा, क्योंकि भी लोग कहते हैं कि पहला उठाएगा। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा आ जाए कि 3 वाला तो उठाना है लेकिन किसी से शुरू हो और किसी से खत्म हो लेकिन बीच में ए हो, तो इस केस में जो है 3 वाला ए भी है, ए भी है, लेकिन यहाँ पे किसको उठाएगा, पहला उठाएगा। क्यों? तो इसी से मैच करना है। क्योंकि ये
तीन का करेक्टर क्या है, और बीच में ए है, वहाँ बीच में ए है, तो इसको लगाओगे भेलू पे, इसको आ गया 11। अब मैंने हटा दिया एक्स, ऐसा कहीं नहीं मिल रहा, चूज फंक्शन है, तो चूज वाला तो पीछे बता दिए थे ना, पीछे नहीं वही बता, है अभी जो लेफ्ट से मैंने हाँ लेफ्ट से लिए है ना, वही जो पीछे बताया था ना, वही है। एक ये था कि ऐसे आ रहा था और यहाँ पे हमें चाहिए था, ऐसे आ रहा ऐसे, तो ये इसमें कहीं ना कहीं है, तो यहाँ भी वही स्टार्ट वाला अप्लाई करेंगे ना। अब इसका देखो, यहाँ पे है इम्प्लाई नाम, इम्प्लाई आईडी, यहाँ पे इम्प्लाई आईडी, और ये है यहाँ पर भी इम्प्लाई आईडी, और ये है यहाँ पर इम्प्लाई आईडी है। तो अब आपको यहाँ पे चाहिए कंपनी नेम, यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे सैलरी कि अभी जहाँ कर्सर यहाँ पे कितना होना चाहिए बताओ, किसके चाहिए? तो कैसे गए? अरे इससे भी भी उठाया, यहाँ पे लगाओगे भी लुकअप, इसको इसको ठीक है, अब भी लुकअप, अब वो वैल्यू हो गया, और यहाँ पे, और यहाँ है कंपनी नेम, फिर इसको लूंगा कॉमा 2, 0। वैसे ही इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, एक तो हुआ उपाय ये, दूसरा है कि उसी तरह से निकालोगे सैलरी का। अब यहाँ पे है ना कंपनी सैलरी डिनेस, तो हमने क्या किया, इसको एक नाम डिफाइन कर दिया, यहाँ पे किस नाम से है, एम्प्लॉय नेम कंपनी सैलरी, चलो यहाँ पर भी मैंने इम्प्लाई नाम से इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। और जो इसको है, इसको मैंने लोकेशन दे दिया, इसको कंपनी दे दिया, और इसको सैलरी दे दिया। अब यहाँ से जो भी लुकअप लगाओगे, इसको सर्च करोगे इम्प्लाई नेम में,
और कोमा दो कोमा जीरो, और फिर इसको जो भी लुकअप लगाओगे तो इसको करोगे कंपनी में और कोमा दो कोमा जीरो, ठीक है। और यहाँ पे अगर जी को फ्रीज कर देते हैं और इसको जो है यहाँ पे कंपनी नेम की जगह परवीन अभी क्या कर रहा हूँ समझ रहे हो ना? अरे यार नहीं समझ में आया। अभी मैंने इस बारे में समझ में आया कि नहीं आया? सिंगल करके निकाला, तो जो ये मैनुअली मैंने इस रेंज को लिया था उसको मैंने एक नाम में डाल दिया। जब मैंने नाम में डाल दिया जब मैंने इसमें नाम में डाल दिया तो ये जो इम्प्लाई आईडी है ये आ रहा है इसको, तो यहाँ से इसको निकाला, फिर कंपनी नाम से कंपनी निकाला। अभी भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अभी जो हमने मैनुअल किया है यहाँ पे, यहाँ पे किया है ना सबको मैनुअल कंपनी नाम, तो मैच यहाँ पे करके जो ये कंपनी नेम हमने मैंने मैनुअल लिखा है ना एक कंपनी नेम, इसको हम मैनुअल नहीं करके इसको यहाँ से लेंगे, क्योंकि इस नाम से हमने नाम डिफाइन कर रखा है, लेकिन यहाँ पे नहीं रीड करेगा तो इससे पहले इनडायरेक्ट करेंगे और इसको फ्रीज कर देंगे 36 को, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा, जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये उस कंपनी की जगह वो सेल लीक हो जाएगा, फिर से सेल लीक हो जाएगा। कहाँ से समझ नहीं आया? अरे करोगे तो करोगे, लेकिन अभी कहाँ पे समझ नहीं आया? अभी आ जाएगा यार, अभी तो आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो ये तो एरे से बनेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी बना देता हूँ। इसको दो तीन ढंग से बनता है, एरे से बनता है इसको, या अभी समझ में नहीं आएगा ये। अब जैसे इस अशोक के लिखा यहाँ पे, अगर भी लुकअप करोगे इसको कितना आया 110, लेकिन ये देखोगे अशोक एक ये है ये कैसे है, तो ये तो दोनों एक ही है ना, भले एस एस स्मॉल कैप्स में, लेकिन मुझे चाहिए 220, तो कैसे है? सर्च तो ये पूरा पूरा हो जाएगा सर्च, तो फाइंड तो सेल में ना फाइंड करेगा, फिर इसको कैसे उठाओगे? अगर मैच से करते हो ना तो ऐसे करोगे मैच इसको, लेकिन एग्जैक्ट मैच कैसे होगा? फर्स्ट वाला ही आ जाएगा ना, यहाँ पे एग्जैक्ट काम करेगा, यहाँ से नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखोगे एग्जैक्ट इसको और इस पे, तो ये ऐसा आंसर देगा। कौन से पर मिल है? True, हाँ?
टू आ रहा है ना। अब यहाँ पे सर्च करोगे टू डू, सॉरी मैच टू करोगे, ठीक है, आ गए तीन पर। अब इसको लगाओगे इंडेक्स, अब ये अशोक दोगे तो 110 और ये अशोक दोगे तो 220। समझ रहे क्या है ये क्या है? हाँ, अभी जो कंट्रोल शिफ्ट इंटर जो मारा हो ना उस वो एरेस होता है तो उसका भी बताया हूँ नहीं। और यहाँ पे जो ले लिया है चूज से लिया है 1 2, D2 से D5, ये तो ए नहीं तो ब्लैंक, को लिया है फिर ई को लिया है चूज से एग्जैक्ट इफ एग्जैक्ट। अच्छा इसमें लेकिन जब दोनों होगा तो काम कैसे करेगा ये? D2 से D5 है तो फिर अच्छा I2 पे है, एग्जैक्ट किया I2। देखो इसमें क्या किया है, इसने कहा है कि इफ एग्जैक्ट इसके, ठीक है, अगर ये इसके एग्जैक्ट है ना तो इसको दे दो, नहीं तो ब्लैंक। इसका आउटपुट भी ऐसे आ रहा, इफ एग्जैक्ट ए हो तो सॉरी नहीं कह रहा है, इफ एग्जैक्ट अगर ये इससे मैच करता है ना तो इसी को दे दो, नहीं तो ब्लैंक दे दो, ये ऐसे देगा। मैं समझ पाऊँ कि इसने कहा कि इस एग्जैक्ट को इसमें से मैच कराओ, अगर ये मैच कर जाएगा तो उसी वैल्यू को दे दो वरना ब्लैंक दे दो। इसको ऐसे समझो, इसको एक्चुअली कर क्या रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ पे लिखा मैंने अशोक, अब यहाँ पे लगाया इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट ये फॉल्स, इसमें लिख दिया कि अब अगर ये हो तब तो ये वैल्यू दे देना, नहीं तो ब्लैंक कर देना। अब ब्लैंक दिया कर और इस नंबर को यहाँ पे डाला, अब इतने पर हम लगाएंगे वैल्यू कब, अब यहाँ पे लगाओगे वी लुकअप अशोक को तो क्या आएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसी चीज को वो यहाँ पर रहा कर रहा है कि इफ एग्जैक्ट डी को D1 से D तक तक चेंज कर रहा, अगर है तो वो दे नहीं तो ब्लैंक है। अब यहाँ पे देखो एक अशोक आ रहा था, एक अशोक को मैंने यहाँ भी डाल दिया,
अब आ गया 200 क्योंकि वहां मिला। अब फिर इस यहां पे कह रहा है कि अब लगाओ भी लुकअप इसको, और जो चूज मैंने दो कलम उठाया था ना, तो यहां पे कर दो चूज 1,2, इसको बंद कर दो। और पहला तो आ रहा है ये, और दूसरा ले लो ये 2,0। कहाँ पे अटका ये? ये जो ब्लैंक जो है ना, फर्स्ट राजीव का रहा 330 और सेकंड वाला का रहा 440। वैसे ये एरे वाला है तो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये इसका ऐसे ही हो गया। करना पड़ेगा तो ही बनेगा, वरना नहीं होगा। अब ये है, इसमें क्या है कि देखो, अबे इसमें रिपीट कौन सा कर रहा है ये? जैसे मैं दो दो तो दो में तो है 0, तो यहाँ पे दे दिया 0, लेकिन तीन में यहाँ पे क्या है? ब्लैंक। लेकिन तीन में भी दे रहा 0, क्यों? जीरो देगा, लेकिन मुझे आंसर चाहिए इसे। कि अगर जैसे ना तीन में ब्लैंक, तो ब्लैंक चाहिए, और अगर जहां वैल्यू नहीं है तो वैल्यू नॉट फाउंड। तो इसको ऐसे ही करोगे और यहां पे लगाओगे भी लुकअप इसको, क्लियर। अब यहां पे लिखोगे कि इफ, अगर जो कैलकुलेशन कर रहे हो अगर ये ब्लैंक है तो ब्लैंक कर देना, नहीं तो इसी को करना। अब यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, अब यहाँ पे दे दिया 55 वहाँ पे नहीं है, है नहीं, तो यहाँ पे लिख दो इफ एरर नॉट फाउंड। इसका है छोटा सा बनाया हुआ है कि ये जो मंथ है ना, इसको स्टार्टिंग और एंड डेट के बेस पर कैलकुलेट किया हुआ कि स्टॉक मंथ ओपनिंग में ये था और 31 तारीख को ये था। तो इसने कुछ नहीं, पहले इसके बेस पर यहाँ बनाया डेट ईयर मंथ और इसको ई डेट निकाल लिया, और सॉरी ईयू मंथ, और उसी से भी लुकअप लगा दिया। मैं समझा? अरे यार ये जैन का, इसका दो डेट बनेगा, कौन कौन सा? पहला और लास्ट के यहाँ पे एंट्री है, बस इसी से भी लुकअप लगाना है। अब बताओ प्रवीण, इस डेट से आप यहाँ पे मुझे पहला और लास्ट दोनों डेट बनाओ। ये चीज बता रखा हूँ पीछे, यहाँ पे है जैन, तो यहाँ पे जैन के 1 तारीख और लास्ट तारीख, यहाँ फेब के लास्ट फर्स्ट तारीख और लास्ट तारीख बनाओ। यहाँ सब में कहते हो नहीं, रुक जाओ, ई डेट क्या करता है? जी नहीं, एंड ऑफ डेट बताता है ई डेट।
पंथ। यो मंथ बताता है डेट, रुक जाओ। हाँ, किसका लोगे? जैन का। वहां पे सिर्फ लिखा हुआ जी ए एन, जी ए एन। उसको कैसे बताएगा वो डेट को? ना बताएगा, एस्केप मारो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अभी ये डेट है, नंबर है, अमाउंट है, क्या है? टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट का कैसे बताएगा? अबे यार, अच्छा करो 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 करो, लिखो लिखो, फिर बताता हूँ। लिखो 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 लिखो। नहीं अच्छा, आप इसको रहने ले, टेक्स्ट को। टेक्स्ट फंक्शन किस पे काम करेगा? डेट पर या नंबर पर? एस्केप मारो। क्या ये डेट है? तो फिर इस पर क्यों लगा रहे हो यार? इसको पहले डेट बनाइए। रुको, पहले इसको बोलने दो। इस जनवरी का है, इसके हेल्प से यहाँ पे इस महीने की पहली तारीख यहाँ पर निकालो। क्या वीडियो देखते हो? कितना देखते हो यार? अबे भाई क्या हो गया? डेट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपके पास? डे है कितना है? डेट बनाने के लिए क्या चाहिए? ईयर। मैंने बोला है इसके बेस पे, यहाँ पे इसके बेस पर, नॉट जेन, इसके बेस पर यहाँ पे पहला और आखिरी डेट बनाना है। तो पहला डेट बनाना है और आखिरी डेट बनाना है। डेट बनाना है तारीख। तारीख बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ईयर। आपके पास अभी क्या है? डेट के डेट डेट मंथ और ईयर के लिए क्या क्या चाहिए? सॉरी, डेट के लिए क्या क्या चाहिए? डेट नहीं चाहिए, डे डे डे। आपके पास डे है? है जनवरी क्यों बोल रहे हो? किसी का भी? मैंने पूछा डे, डे है कितना है? तो एक है। मंथ यहाँ से आएगा और साल, साल यहाँ से निकालोगे। डेट बनाने के लिए तीन चीज चाहिए, क्या क्या? डेट नहीं चाहिए, डे मंथ और ईयर। तो डे क्या है? एक है। और मंथ यहाँ से बनाओगे और ईयर वहाँ से निकालोगे। तो बनाओ बनाओ शक्ति, अब बनाओ। इसको देखो कैसे बन रहा है। यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ तो नंबर में चाहिए, यहाँ नंबर में है नहीं। तो फिर एस्केप मारो। पीछे कुछ बताया है था, कुछ याद है? अब यहाँ पे मैनुअल लिखो, वन। ठीक है, मारो एंटर। इसको कॉपी करो, इसको यहाँ डालो और इस यहाँ पे निकालो साल। अभी तीन चीज हो गया। अब इससे बनाओ, कैसे बनाओगे?
साल क्यों लेते हो? हाइपन डालना पड़ता है भाई, मैंने इस टाइप का पीछे कभी बताया था, फिर ये क्यों नहीं याद होता? ये क्या है? डेट हो गया 1 तारीख, अब इसका लास्ट डेट यहाँ निकाल लो। जीरो होगा, कंट्रोल शिफ्ट थ्री है, हो गया डेट। अब ये डेट हो गया, अब ये हो गया, अब इसके बेस पर यहां से भी लुकअप लगेगा। अरे यार, इस डेट के ऊपर, फर्स्ट सेकंड क्या होता है, ये जस्ट डेट है बस। हमें ये क्या मतलब कि क्या है डेट, ये डेट है, ये मैंने कहा इस पर यहाँ बिल बिल कब काम करेगा, तो लगाओ बिल को लगाओ। अरे लगाओ यार, फ्रिज क्यों नहीं किया? अच्छा चलो चलो चलो, ठीक है, छोड़ो छोड़ो, करो, क्यों नहीं करते हो फिर? तो हैबिट डालो ना फिर। इसको नहीं करना है पूरा पूरा फ्रिज, फिर अगले वाला पर कैसे काम करेगा ये? यहाँ पे लाओ, फिर लाओ यहाँ पे, लाओ यहाँ पे, आया नहीं, क्यों नहीं आया? एक 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 तारीख तो यहाँ है ना, क्यों नहीं आया? जी नहीं, ये है टेक्स्ट में, इसको नंबर में करने के लिए क्या करोगे? उन्हें डेट में करने, उससे नहीं होगा, वो तो फॉर्मेट चेंज होगा। या तो इससे पहले लगाओ डेट वैल्यू, टेक्स्ट क्यों लगाओगे यार, ये टेक्स्ट टेक्स्ट है क्या? हाँ तो फिर, हाँ तो ये टेक्स्ट है ना, तो टेक्स्ट को हमें किस फॉर्मेट में लग जाना है, डेट में। तो या तो इससे बाद प्लस लगाओ जीरो, या फिर डेट वैल्यू, कौन सा लगाना है? करो प्लस जीरो, मारो इंटर, आ गया। क्यों हुआ ऐसा बताओ, कभी एरर क्यों आ रहा था? वेलू में, ठीक है, आप कह रहे हो कि यहाँ पे हम टेक्स्ट लगाएंगे, आपने बोला ना टेक्स्ट लगाएं, तो टेक्स्ट लगाने से उसको इस रूप में लाते हैं, क्यों नहीं आ सकता? सर,
हाँ वैल्यू बनाने का प्लस प्लस जीरो किया आपने तो हाँ ये वैल्यू बन गया, वैल्यू उसको ना एग्जैक्ट मैच एक्सेप्ट हो गया हाँ और फिर उसको अपने वैल्यू को लगा दिया उसको, हाँ वैल्यू को आप फिर तो आपने टेस्ट क्यों बोला? टेक्स्ट करने से होगा, एस्केप मारो। यहाँ पे दब जब इज इक्वल टू टेक्स्ट, इसको लो कॉमा, कोड डी, एक बार डी लो स्लैश, सॉरी एम, पप्पा ले लो एम, लो डी को हटाओ, एम स्लैश कौन सा स्लैश होता है बताओ, डी स्लैश 4 टाइम हुआ है, इसको बंद करो, मारो इंटर। अभी ये इस फॉर्मेट में आ गया, अब तो लग जाएगा, लगाओ पहले उसको, तो वहाँ लगाओ पहले तब तो सही, यहाँ पे तो लगाओ, कॉपी करके डाल देना। अभी तो एक ही है, या अभी तो नहीं करोगे तो ये चल जाए। अच्छा अच्छा ठीक है, करो करो ठीक है, अच्छा अच्छी बात है, करो। आप बताओ क्यों ले रहे हैं? एस्केप मारो। इसको वो बोला कि डेट नहीं है, तुम इसको डेट मानते हो? इनडायरेक्ट यहाँ थोड़े लगता है यार, क्यों हो रहा है? ये जो है टेक्स्ट में है और ये किस में है, नंबर में, वैल्यू में, डेट में, इसलिए नहीं लगता है, क्योंकि टेक्स्ट वाला को इस फंक्शन से कोई भी जब यूज करोगे, डेट वैल्यू को छोड़कर, वैल्यू को छोड़कर बाकी जब यूज करोगे, तो जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा? टेक्स्ट में रहेगा आउटपुट, तो हमारा काम कैसे होगा? दिख तो रहा है सामने, लेकिन उन्हें काम कर रहा है ना, नहीं हो रहा, तो उसके लिए वो वही होगा कि यहाँ पर या तो ये जो निकला इसमें प्लस जीरो कर दो, या फिर डेट वैल्यू कर दो, आ रहा है? आपने तो इसको वैसे बना तो दिया, लेकिन काम कहाँ कर रहा है? तो बस जब ये चीज हो जाएगा, फिर ये मंथ हो जाएगा, और यहाँ पे फ्रीज किए हो, यहाँ पे वन को भी फ्रीज करना पड़ेगा, आ जाएगा, बस यही चीज और कुछ नहीं है। जब ये आपने बनाया ना जैन के लिए, जो F4 है इसको दे दोगे G8,
रहा है सबको। हाँ तो ईयर को फिक्स करने के उसे कर, इसको तो पहले बल ये बनेगा जैन के, फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, मई के, जून के, बस इसके बाद भी भीलू कपल लग जाएगा इसके ऊपर, यही खेल है। अरे टेढ़ा मेढ़ा के हमें भी लुकअप के लिए जो चाहिए वो वही, अगर उन्हें मिलेगा तो उसको सर्च कैसे करेगा। एक्सपर्ट ऐसे बनोगे क्या? साफ कहते कि नहीं 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 ये नहीं होगा, एग्जैक्ट रीजन खोजना है, यही है तो यही है, बस जो मैं कर रहा हूँ वही सही होगा। आउटपुट क्यों नहीं आएगा? जब जो इसका रूल बना हुआ है उस रूल से दोगे तो एक्सेल आपको मना थोड़े करेगा। वही लेफ्ट साइड से चूज बुलाओ तो बता रखा हूँ। अबे यहाँ क्या आ गया है? बाहर ये बाहर ये ठीक है, एक ये है नेम डेनेशन ये है। अरे इसको पकड़ लो भी, ये वही है मैच का इज है। अभी एक ये ऐसा है, इसमें इसको कुछ ऐसा है इसका रूल कि ये कर रहा है कि जो जैसे यहाँ पे अगर कुछ आ गया ना डाटा तो ये जो ब्लैंक होगा ना तो ये ऊपर वाला लेगा, तो उसके लिए जैसे करते हो ना भी लुकअप इसको इसको नहीं यहाँ पे जर 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 कर दो और इसको लो, अगर मान लो यहाँ पे है ना आउटपुट चाहिए ना, यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे चाहिए, जैसे ए है, बी है, सी है, ब्लैंक है, क्यू है, टी है, ब्लैंक है, डी है, तो यहाँ पे करोगे भी लुकअप इसको हम घर पर जा रहे हैं वो जेड जेड मैच कराना पड़ेगा ना इसको भी कर इसी में इसी को चाहिए। अच्छा 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 अब क्लियर। ये कह रहा कि अगर ए हो ना ए तो यहाँ पर ए हो जाए और अगर ब्लैंक हो तो ऊपर ऊपर लड़ा, तो उस तरह से तो हम लोग करेंगे यहाँ पर भी लुकअप जर 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 किया और इसको लिया और इसको लिया और प्लस वन होगा होगा और ऊपर वाला को फिर करेंगे और नीचे वाला को वन। अच्छा यहाँ पे वन लेना पड़ेगा, नहीं ये लुकअप से है यार, नहीं है तो सही, अब ये ऊपर वाला ही जाएगा, जैसे ही बदलेगा फिर दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो तो फर्स्ट वाला में तो स्टोरा में एक काम नहीं करेगा एग्जैक्ट मैच में, लेकिन वो वन दो दोगे तो अप्रोक्सीटी वाला में काम करेगा। ये अब इसी को ये रहेगा ना खाली, तो ये यहाँ से ऊपर तक देखेगा जो फील वैल्यू रहेगा उसको उठा लेगा। एक है ये है एच लुकअप। अब एच लुकअप क्या होता है, जैसे
मछली को पैसे ना के बराबर यूज होता है। अब यहाँ पर जो बंदे का नाम चाहिए, तो यहाँ भी लुकअप तो हमारा नहीं काम करेगा, तो यहाँ पे लगाओगे एच लुकअप इसको, और ये रेंज ऐसे ही लोगे, और यहाँ पे है ना इतना इतना लो या पूरा लो, ये फ्री करोगे और कोमा 2.0। लुकअप में हम लोग ऐसे करते थे सेलेक्ट, यहाँ पे यूँ रहेगा, उसका ना के बराबर होगा। अब देखो, अब किसी कोई आइटम है उसका ये दाम है और इसका इस रेंज से डिस्काउंट है, तो इस पर कितना डिस्काउंट अप्लाई होगा, 5584 की किस रेंज में आएगा, इससे ऊपर वाला में भी आएगा, 6% ही लेगा। तो भी लुक अप इसको, अच्छा इसको लोगे ऐसे, क्योंकि 0 से 1 तो यहाँ पे 2.1, अगर 2.1 लोगे तो जो मैच करेगा वो तो आ जाएगा, सब तो आएगा नहीं, लेकिन फर्स्ट वाला भी कैसे ले रही है, अच्छा सॉरी 0 में कुछ नहीं आएगा, लेकिन 1 करेंगे तो आ जाएगा। और ये क्यों नहीं आया यहाँ पे, रुक जाओ आप रुको, यहाँ पे क्यों नहीं आया, रेंज से बाहर है, क्योंकि यहाँ मैंने ₹850 का नहीं रहा देखा, लेकिन अगर हमने इस रेंज को हटा के, अब रेंज मैंने चेंज किया और मैंने यहाँ पे कर दिया 0, अब ले लेगा, क्योंकि 0 से 999 तक रहेगा ये, फिर 1000 से 1999 तक लुकअप इसको, अब 800 ले लिया, एक में ले रहा है 999 तक 0 है, लेकिन जैसे ही 1000 हो गया ये हमारा इस टाइप का काम आ सकता है। लेकिन 1 हमने क्यों दिया, के लिए ये वही है एज के कैटेगरी कि इस एज से आएगा तो इस रेंज में डिफाइन करिए, बस जो थन पीछे वही है, ये है ओके ओके ओके। जो अभी हमने नाम नहीं बनाया था भी लुकअप से, सॉरी एच लुकअप से बनाया था ना, लेकिन अगर इसको भी लुकअप से होगा करना तो कैसे करेंगे, भी लुकअप से करेंगे तो करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसने क्या किया है, अच्छा अगर मैं इस डाटा को उठा के यूं कर दूं तो कोई दिक्कत होगा नहीं ना, तो इसने किया है क्या कि भी लुकअप इसको लिया है और चूज है सिर्फ ये 2 कॉलम को चूज करने के लिए, बस इसका मतलब इतना है समझो ये हो, और एक फंक्शन है ट्रांसपोज में उसने इसको लिया है कोमा, फिर से ट्रांसपोज, फिर इसको लिया है और यहाँ पे बंद, यहाँ पे बंद हो गया तो यहाँ पर भी तो बंद तो होना चाहिए, अब कहाँ पे अटक रहा है, अच्छा ये कोमा दिया अगले स्टेप,
और शिफ्ट आंसर उसी चीज को हमने वी लुकअप के बदले एच लुकअप के बदले वी लुकअप किया है। लेकिन मैंने इसमें क्या किया, डाटा को फार्मूला में यू से ऐसे एडजस्ट किया है, घुमा दिया। ट्रांसपोज का फंक्शन पता है, जैसे ये है ना, जैसे ये अब वैल्यू है ना इसे, और यहाँ पे करते हैं ना ट्रांसपोज, और इस इतने को सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, और F2 करके कंट्रोल शिफ्ट इंटर दे तो डाटा ऐसे हो गया। और अब डाटा ऐसे है, फिर करो ट्रांसपोज, इसको लो और यूँ खींचो, अब ऐसे हो गया। अब ये क्या है कि इसमें से कॉस्टली मोबाइल का दाम निकाला है, तो यहाँ से निकाल लोगे मैक्स, जो मैक्स होगा उसके बाद इसको वी लुकअप लगा दोगे। ये टॉप थ्री का यह भी लार्ज दे के 1, 2, 3 लेके वी लुकअप लगा दिया है। एक ये है से है ना, ये अब यहाँ पे राजू है ना 3, तो यहाँ पे पहला के दूसरा तीसरा एक, अगर एक तो हम डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं, और एक है कि एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे हमने लिखा या काउंट इफ ये और ये काउंट इफ ये कॉलम ये कॉमा F15 और यहाँ पे इसको फ्रीज किया, ऐसे काउंट हो गया। और यहाँ पे ये और इसमें प्लस हाइफन करके या जैसे भी, फिर यहाँ पे दे दिया F15, ऐसे बन गए, एक कॉलम बनाया हो अलग। अब यहाँ पर फिर यहाँ पे लगाओगे काउंट इफ ये और फिर I15, ऊपर वाला को ब्लॉक करूँगा, ऐसे बन जाएगा। और फिर ये अब हमने उसके बराबर बना लिया, अब भी लुकअप लगो या मैच लगो, भी लुकअप इसको अब फिर यहाँ से लेकर तीसरा, लेकिन ये बिना एडिशनल कॉलम का भी होगा, बिना इसके भी बनेगा, लेकिन वो एरेस बनेगा या किसी और से बनेगा, भी लुकअप से बनेगा, क्योंकि ये हम हमेशा नहीं जोड़ सकते। अगर मान लो यहाँ पे डाटा भरा पड़ा है, फिर अब कितना हेडिंग बनाओगे या फिर कितना कॉलम बनाओगे, ये किसका है। अच्छा इसमें क्या है कि कभी कभी लोग क्या करते हैं कि भी लुकअप लगाने के लिए भी लुकअप इतना लेते हैं, ये पूरा ऐसे भी ले लेते हैं, मैंने इसमें ये पूरा रेंज ले लेते हैं, लेकिन आप लोग हमने बताया है आपको केवल एक ही लो, फर्स्ट ही लो, लेकिन लोग ऐसे भी करके बनाते हैं, उससे भी बन जाता नहीं है, लेकिन वो गलत है। गलत क्या है, चल रहा वो भी है, इसमें है 3 भी लुकअप है, 3 भी लुकअप। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो है ना Employee ID या तो इसमें होगा या इसमें होगा या इसमें होगा, तो फर्स्ट लगाया भी लुकअप यहाँ पे इसको, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या आया एरर, फिर भी लुकअप इसको मैंने लगाया
यहाँ पर एरर, फिर भी लुकअप इसको लगाया मैंने, ऐसा कैसे हो गया? अच्छा दो यहाँ पे मिला सेकेंड में, यहाँ पर नहीं मिला था फर्स्ट वाले में। इसको कॉपी करोगे यहाँ पे और यहाँ पे जाके दे दोगे इफ एरर, जो मिला मिला मिला, फिर थर्ड वाले, फिर एक और इफ एरर लगा दोगे। ठीक है, बंद कर रहा हूँ। बस 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 ना घटा।